हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अब देखिए, ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th अप्रैल टू 20th अप्रैल। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 11th टू 20th अप्रैल। लव मैसेजेस फॉर कैंसर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके। अब देखिए, यहाँ पे जेमिना लीब्रा एक्वेरियस काफी सिग्निफिकेंट है, आपकी भी एनर्जी है। इनफैक्ट जेमिनाई की रीडिंग में आपका साइन बहुत सिग्निफिकेंट था, आपकी रीडिंग में जेमिनाई का साइन बहुत सिग्निफिकेंट है, एयर साइन। बट जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मैंने आपको बोला काफी ज्यादा है यहाँ पे प्रोमिनेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, बट वो आपको ग्रेजुअली पसंद आएगा। एक नजर में, पहली नजर में यू विल नॉट फॉल फॉर दैट पर्सन, इनफैक्ट ऑपोजिट होगा, आपको वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आप बिल्कुल पैली नहीं होगे उसके साथ। आपको कहते ना, एक आंख नहीं भाना, ठीक है? तो आपको वो इंसान शायद बहुत डिफरेंट लगेगा, बहुत ऑपोजिट लगेगा, मे बी शक्ल में भी, लुक्स में भी ना पसंद आए, बट ग्रेजुअली मे बी आप दोनों को एक टीम में डाल दिया जाए साथ में, या आपको किसी एक जगह पे बंद कर दिया जाए। नॉट लाइक एग्जैक्टली बंद, बट एक टीम में डालना ताकि जबरदस्ती काम करना पड़े आपको साथ में, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में आप दोनों साथ में आ जाओ कि आपको एक दूसरे के साथ काम करने की मजबूरी हो जाए, ठीक है? एंड देन आप रियलाइज करना स्टार्ट करो कि ओ, दिस पर्सन इज नॉट दैट बैड, यू नो, लाइक ही इज इमोशनल एंड ही इज कंसिडरेट एज वेल, ठीक है? ही डजंट लुक दैट गुड, बट ही इज अ रियली नाइस पर्सन। ये आपको बाद में रियलाइज होगा, बट इस इंसान के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत प्यारी हो सकती है। लवर्स कार्ड है हमारे पास। जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कंपैटिबिलिटी अच्छी है एंड एवरीथिंग इज नाइस, एंड देन यू विल ग्रेजुअली लाइक स्टार्ट फॉलिंग फॉर दैट पर्सन। उसके बाद हो सकता है आप नेक्स्ट 10 डेज में थोड़ा उस इंसान के बारे में पूछना स्टार्ट करो, पूछताछ करना स्टार्ट करो कि अच्छा, ये इंसान क्या है, कैसा है, एक्स कौन था, आज जिम में आया है, नहीं आया है, कहाँ पे क्या करता है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। तो हो सकता है उसको लेकर थोड़ी सी गॉसिप हो, डिस्कशंस हो सकती हैं, आप और आपके फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं उस इंसान को। थोड़ी क्यूरियोसिटी वाली वाइब आ रही है, वेयर यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस पर्सन, कि भाई ये इंसान है क्या, मुझे जानना है इसके बारे में। स्टार्टिंग में मुझे ये इंसान पसंद नहीं आया था, बट अब पसंद आ रहा है, नाउ आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। तो क्यूरियोसिटी वाली चीज दिख रही है, गॉसिप दिख रही है, डिस्कशन दिख रही है, काफी टॉकेटिव वाइब दिख रही है मुझे यहाँ पे। पूछना, बात करना इस इंसान को लेकर, बट थोड़े से मेंटली रेस्टलेस भी है आप नेक्स्ट 10 डेज में, थोड़े से मेंटली रेस्टलेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता करने का मन कर रहा है इस इंसान के बारे में, ठीक है? एंड आपकी शायद जो जजमेंट थी वो गलत निकली है, दैट इज वाई थोड़े मेंटली रेस्टलेस भी हैं। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है कैंसर, आपकी एनर्जी है, डे ड्रीम कर रहे हैं, लिथार्जिक हो रखे हैं आप नेक्स्ट 10 डेज में। काफी सुस्ती दिख रही है, काफी लिथार्जी दिख रही है, काफी डे ड्रीमिंग दिख रही है, रियालिटी से बिल्कुल हट के। यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इन द नेक्स्ट 10 डेज। आप फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, आगे आपकी लाइफ कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, सपने सजाना, डे ड्रीम करना, तो वो वाली थोड़ी सी मुझे एनर्जी दिख रही है। काफी सुस्ती, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। सोचना एंड एक्शन लेना बहुत फर्क है, ठीक है? वो जो गैप होता है ना बीच में, वो करना होता है, वो गैप नहीं होना चाहिए, तो वो आपको पूरा करने की जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में। देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स टुवर्ड्स कैंसर। एरीज की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर? कोई सरप्राइज देने वाले हैं एरीज, आपको कहीं कुछ इवेंट प्लान कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज किसी तरीके का प्लान कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल हो सकता है, बट सरप्राइज देने वाले हैं, कोई स्पेशल डे आ रहा है शायद। टॉरस की क्या एनर्जी, इंटेंशन, वाइब्स टुवर्ड्स कैंसर? म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। इफ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ टॉरस पर्सन, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन a Taurus person, then the feeling is mutual. They feel the same for you, ठीक है? तो जो आप फील करते हैं उनके लिए, वो भी आपके लिए सेम फील करते हैं। जेमिनाई की क्या इंटेंशन, वाइब्स, एनर्जीज, फीलिंग्स
इंटेंशंस टुवर्ड्स कैंसर, बहुत सॉलिड सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपको जेमिनाई की तरफ से। जहां पे आप जाएंगे वहां पे जेमिनाई आपके साथ होंगे, आपको अकेला नहीं महसूस होने देंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी टाइम पे। कैंसर की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशन टुवर्ड्स कैंसर? यी हा, देखिए, इफ यू आर डेटिंग अनदर कैंसर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अनदर कैंसर पर्सन, देन आपका और इनका जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा, बहुत ही सेफ स्पेस होगी। ये इंसान एंड आपके बीच में कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होगी, कोई भी फेक नहीं कर रहा होगा एक दूसरे के साथ, तो उस चीज की टेंशन नहीं होगी। लियो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर? इनिशिएट नहीं कर रहे हैं लियो, दे आर इंटू यू, दे आर वेरी मच इंटू यू, बट दे नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। दे आर नॉट इनिशिएटिंग, दे आर जस्ट नॉट मूविंग। वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं एंड सोच रहे हैं एंड प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, बट वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, दे नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, इनिशिएट करना। लियो, सॉरी, वर्गो की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर? कार्मिक कनेक्शन हो सकता है वर्गो एंड आपका कैंसर, और कर्मा आपकी साइड पे है, आपके एंड वर्गो की साइड पे है कर्मा। काफी अच्छे कर्म करे होंगे, दैट इज वाई आप दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, बट कार्मिक कनेक्शन हो सकता है इन अ गुड वे। ओके, नॉट बैड कर्मा, गुड कर्मा। लीब्रा की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स, एनर्जीज टुवर्ड्स कैंसर? आपके अंदर वो खूबियां हैं, वो क्वालिटीज हैं जो के लीब्रा ढूंढ रहे हैं अपने पार्टनर में, तो उनको आप परफेक्ट लगते हो। इनफैक्ट आपको कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है, आपके अंदर ऑलरेडी बाय बर्थ वो क्वालिटीज हैं जो एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे कंपेनियन में चाहिए होती हैं यूजुअली सबको। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स, एनर्जीज टुवर्ड्स कैंसर? कोई चीज स्कॉर्पियो ने आपसे छुपा के रखी है, कोई गुड न्यूज है जो सही टाइम आने पे ही वो आपको बताएंगे। समटाइम्स द गुड इज हिडन, ठीक है, तो अच्छी चीज है ये आपसे छुपाई हुई है, और मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, मे बी हाउ दे फील वो एक चीज है जो उन्होंने छुपाई हुई है, मे बी दे आर इन लव विद यू एंड दे वॉन्ट टू डिस्क्लोज इट टू यू, अभी सही टाइम नहीं है, दैट इज वाई दे आर नॉट टेलिंग यू। सैजिटेरियस की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर? सैजिटेरियस आपके साथ इसलिए हैं बिकॉज दे लव यू। लव इज द ओनली रीजन वाई सैजिटेरियस इज विद यू, देर इज नो अदर पर्पज, देर इज नो अदर रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि अच्छा नहीं, देर इज समथिंग फिशी, सैजिटेरियस मेरे साथ क्यों है, प्यार है इसलिए है, एज सिंपल एज दैट। ओवर थिंक मत करिए, डे ड्रीम मत करिए। केप्रिकॉन की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर? सिंपल रखिए, केप्रिकॉन को चीजें सिंपल चाहिए आपके साथ, उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, तो ज्यादा माइंड गेम्स मत प्ले करिएगा, बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्टेजेस मत रखिएगा कि अच्छा अभी हम ये हैं, अभी हम ये हैं, अभी हम ये हैं, थोड़ा सिंपल रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर? एक्वेरियस कुछ करके दिखा रहे हैं आपको, मे बी उन्होंने कुछ प्रोमिसेस करे हों, उन्होंने बोला हो कि हाँ मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, मैं प्रूव करूंगा, या मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बता दूंगा, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट वो प्रोमिसेस सिर्फ बोलने बोलने की थे, एंड वो कुछ कर नहीं रहे थे उन प्रोमिसेस को लेकर। वो जो उन्होंने एक वर्डिंग्स अपने मुंह से निकाले थे, वो सिर्फ टॉकिंग चीज दिख रही थी, बट एक्शन कुछ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे एक्शन दिखेगा, ठीक है, तो ये करके दिखा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि मैंने जो बोला था वो सही कर रहा हूं मैं, लाइक आई एम प्रूविंग इट टू यू। पाइसिस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर? हैरान होने के लिए रेडी हो जाइए, पाइसिस कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं। हो सकता है आपने भी ना एक्सपेक्ट करा हो, उन्होंने खुद ना एक्सपेक्ट करा हो, बट कुछ डिफरेंट डेफिनेटली हो रहा है। बट यस, दैट्स इट मोर ऑर लेस, मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। कैंसर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।